महू में हुए घटनाक्रम को लेकर सियासत का सिलसिला तेज होता दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अलग अलग आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखा जा रहा है। तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के लिए अब जुड़ते हैं बीजेपी से, बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया से और कांग्रेस से, कांग्रेस विधायक बाला बच्चन जी से, और जानते हैं इनकी राय। देखिए, कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा जी अभेद किला है, जिसे भेदा नहीं जा सकता जी। इसका कारण आपको बता दूं मैं, पूरे संपूर्ण भारत में एकमात्र कांग्रेस की लोकसभा ये छिंदवाड़ा है, जहां सातों की सातों विधायक कांग्रेस के हैं जी। पूरे भारत का बता रहा हूं आपको मैं जी। पूरे भारत में कांग्रेस का जो सांसद है हमारा, वो सातों ही विधायक कांग्रेस के पूरे भारत में, और कहीं मतलब इतना जबरदस्त तरीके से कमलनाथ जी ने उस छिंदवाड़ा को डेवलप किया है जी। लोग गुजरात की बात करते हैं ना जी, गुजरात मॉडल, आप छिंदवाड़ा चले जाइए, आदिवासी क्षेत्र में जो जागृति कमलनाथ जी ने विकास की फैलाई है, निश्चित रूप से वो दर्शनीय है, देखने योग्य, उनके नाम पे लोगों की श्रद्धा है, और उस किले को भेजना अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की बस की बात नहीं। देखिये, भारतीय जनता पार्टी तो सतत जनता के बीच में रहने वाला संगठन है, और हम तो हमारे कार्यकर्ता भी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि हम सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, चुनाव जीतने या हारना ये हमारे लिए विषय नहीं है, समाज के बीच में, जनता के बीच में सदैव बने रहे, सरकार की योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव और सतत लगे रहने वाली हमारी प्रक्रिया काम करते हैं। निश्चित रूप से 2023 का जो चुनाव है, उस चुनाव में हमने जो इस बार भी नारा दिया है, आपकी बार 200 पार, तो 200 पार का नारा है, तो उसको पूरा करने के लिए कार्यकर्ता हमारे जो है वो बूथों पर काम कर ही रहे। हम देख रहे हैं बूथ स्तर योजना के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रदेश के जितने भी नेता है, वे सब भी एक एक बूथों पर जा रहा है। तो चुनाव, चूंकि चुनाव है और चुनाव है तो लक्ष्य एकमात्र जीत है, रोड जीत, तो जो लक्ष्य हमारा है उसको पूरा पार करने के लिए हर सीट को जीतना है, उसकी योजना बनाकर काम करना है। निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का विकास हुआ है और जो जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्रदेश की जनता को, हर वर्ग को मिला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जिस प्रकार से देश ने, प्रदेश ने स्वीकार किया है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित ही मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीट इस बार हम लोग जीतेंगे। जो एक सीट हमारी रह गई उसको भी हमने टारगेट बनाकर काम करना है, तो आने वाले जो चुनाव में बहुत सुखद परिणाम होगा और 100% सीट हम पूरी 29 की 29 सीट जीतेंगे।